चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे लगता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें चाहे आप फिर वो कैंपस का एग्जाम दें, बैंक का एग्जाम दें, रेलवे का एग्जाम दें, SSC का एग्जाम दें, CAT का एग्जाम दें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, MCA एंट्रेंस का एग्जाम दें, GMAT का एग्जाम दें, GRE का एग्जाम दें, हर एग्जाम में काम आने वाला चैप्टर है। और ये चैप्टर नाम से अपने को लगता है नंबर सिस्टम एक छोटा सा चैप्टर है, एक्चुअल में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इसमें कवर करनी होती है और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको नंबर सिस्टम में मिलेंगी। यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई माना जाएगा तो मैं बोलूँगा नंबर सिस्टम। अब इसको हम एक एक स्टेप वाइज करेंगे। पहले नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम्स, ये सारा पोर्शन इसी का एक पार्ट है। हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे जैसे मैं पहले, क्योंकि मैं आपको, मेरा नेचर ही ऐसा है, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप और फिर इसमें आपको शॉर्टकट बताऊँगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनकी हेल्प से आप विदाउट यूजिंग राइटिंग वर्क, मतलब आपको विदाउट यूजिंग पेन का यूज ही नहीं करना, आप मेंटली क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बट उसके लिए जरूरत है कि पहले हम इसका बेसिक समझें, कंसेप्ट समझें और उसके बाद फिर हम ट्रिक्स पे मूव करें। तो चलिए हम अगर नंबर्स की बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें, तो नंबर्स को हम दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। देखिए जैसे दुनिया में अगर मैं बोलूं कि कितने तरह के लोग होते हैं तो दुनिया में केवल दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। बिल्कुल वैसे ही नंबर दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब जो नंबर होता है, एग्जिस्ट करता है, वो रियल नंबर हो गया। जो इमेजिनेशन ही हो सकती है इसलिए इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो हो गया इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब जैसे अच्छे और बुरे में अच्छों की कैटेगरी हो सकती है, बुरे की कोई कैटेगरी नहीं हो सकती, कि ये ऐसा चोर बनना नहीं, उससे बड़ा चोर बनना। पर अच्छों में हम बहुत सारी कैटेगरीज कर सकते हैं कि ऐसे प्लेयर बनो या ऐसे ऑफिसर बनो। वैसे ही यहाँ पर रियल नंबर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज रैशनल नंबर, सेकेंड इज इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल से बन के रियल नंबर बनता है। फिर एक इरेशनल नंबर पार्ट हो गया। रैशनल को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें कुछ नंबर इंटीजर्स हो गए, इंटीजर का ही एक पार्ट हो गया होल नंबर, होल नंबर का ही एक पार्ट हो गया नेचुरल नंबर। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट है। अभी इसको हम फिर समझते हैं कि क्या कहना चाहता हूँ। नंबर वन, नंबर्स के हमने दो पार्ट किए, एक रियल एक इमेजिनरी। रियल नंबर जो नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर मतलब जिसका केवल इमेजिनेशन किया जा सकता, एक्चुअल में वो नहीं होता। फिर रियल नंबर के दो पार्ट हुए, रैशनल इरेशनल। रैशनल के हमने पार्ट किए इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब हम इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर मतलब, अब आपसे कभी पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो कॉमनली मुझे जब भी पूछता हूं तो मुझे यही जवाब मिलता है, सर वन टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर होता है। पर रिमेम्बर, वन टू इन्फिनिटी नहीं होता। अगर आपने वन टू इन्फिनिटी बोला तो कोई आपसे पूछ लेगा कि 2.5 क्या है, 2.5 क्या है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो नेचुरल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिन नंबर को हम काउंट करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्लियर है बात? अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि 2.5 क्या है या -3 क्या है या 0 क्या है। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता। बेसिकली काउंटिंग की हम बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं हाउ मेनी फिंगर इन माय हैंड, तो 0 से हम काउंट नहीं करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और ना ही हम ऐसा बोलेंगे कि 4.6, क्योंकि हम साइज से नहीं, काउंटा के हिसाब से काउंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इन्हीं नंबर्स में अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूं तो हम इसे होल नंबर्स बोलना चालू कर देते हैं। ये उनके सिंबल्स हैं, कैपिटल एन, कैपिटल डब्लू। इन्हीं होल नंबर में हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी ले लें तो हम इन्हें बोलते हैं इंटीजर। यानी अगर मैं ऐसा ले लूं, समझिएगा, 0, 1, 2, 3,
माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो इसे हम बोलेंगे इंटीजर। अब इन्हीं नंबर्स में अगर मान लो नंबर की फॉर्म p बाय क्यू हुई, इंटीजर के बाद बात करते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो अगर नंबर की फॉर्म क्या हो, p बाय क्यू सच दैट q नॉट इक्वल टू जीरो, देन इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब इसका मतलब यह हुआ 3 बाय फाइव, 4 बाय थ्री, 1 बाय टू, 1 बाय थ्री, 5 बाय फोर एंड इवन 0, 1, 2, माइनस टू, माइनस थ्री, ये भी रैशनल के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इसके अपॉन में क्या है, 1, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। कई बार कंफ्यूजन होता है, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है कि जब भी मैं पूछता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं तो बच्चे हमेशा ये बोलते हैं 5 बाय थ्री, 2 बाय फोर, 2 बाय फाइव, मैं पूछता हूँ 2 तो बोलते हैं इंटीजर। ध्यान रखिएगा ये इंटीजर तो है ही, पर इंटीजर के अलावा इसे हम रैशनल भी बोल सकते हैं, बल्कि इन्हीं नंबर्स में से जो नंबर जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है उनको हमने इंटीजर में ले जाके एक सेपरेट कर दिया। क्लियर है बात? अब इसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब बेसिक बात अगर हम करें तो रैशनल नंबर में दो टाइप हुई। आप देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/2 करिए तो आप बोलेंगे 1/2.5, मैं आपसे बोलूं 1/3 करिए आप बोलेंगे 0.333333, या 0.3 के ऊपर एक बार भी लगा सकते हैं आप, राइट? इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में आंसर है, डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, एंड नहीं होगा और नंबर्स का रिक्रेशन चालू हो गया, मतलब सेम फॉर्म मिलना चालू हुआ। मैंने आपसे पूछा कि 1/4, आपने कहा सर 0.25, पर जब मैंने आपसे बोला कि 2/3 तो आपने बोला 0.6666, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है, यानी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फिर मैं आपसे बोलूं कि 5/4, आपने कहा सर 1.25, देन टर्मिनेटिंग नंबर। मैंने आपसे बोला कि 3/2, आपने कहा 1.5, टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। मैंने आपसे बोला 2/3 तो अपन ले चुके हैं, कोई भी नंबर ले लें, आपसे मैंने बोला 5/6 क्या होगा, तो ये स्टार्ट करो आप अगर 6 से तो कितना हो जाएगा 0.8, 2 मिला, फिर 0.6 डिवाइड करके देख लीजिए आप, जब आप डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट लिया, यस और नो, 4/8 = 48, ये 2 आया देखिए, फिर 0 लिया, 2 टाइम डिवाइड हुआ, 3 टाइम, फिर 2 आया, फिर 3 टाइम डिवाइड हुआ, फिर 2 आया, इस तरह से चलता जाएगा, यस और नो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हुआ। यानी रैशनल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, एक वो जो टर्मिनेट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, एक वो जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, मतलब उसमें नंबर्स का रिपीटेशन मिलता है। तो ये हुई नंबर की रैशनल फॉर्म। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, तो जब हम इरेशनल नंबर्स पे आएंगे तो क्या करते हैं वो देखते हैं। जी क्लियर है बात? चलिए अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यस, हम अगर नंबर थ्योरी पे बात करें तो रियल इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन पे जाएं तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन सुनिए क्या होती है। ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर एक्सेप्ट इरेशनल नंबर। फिर सुनिए, ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर एक्सेप्ट इरेशनल नंबर। इरेशनल की डेफिनेशन क्या होगी? ऑल रियल नंबर आर इरेशनल नंबर एक्सेप्ट रैशनल नंबर। और रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक वो जो रैशनल थे, एक वो जो इरेशनल थे। रैशनल कौन से हुए? टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, और उन नंबर से मिलके मान लो उसमें उसी के हमने पार्ट लिए, इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की, तो जब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की तो इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिकरिंग नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे बोला कि 2/3 करो, आपने कहा सर 0.66, या अभी मैंने आपसे बोला था 50/6 करो, तो आपने इसको डिवाइड किया तो 0.8333 मिला। पर मैंने आपसे बोला √2 करिए, तो आपने कहा 1.414 एंड सो ऑन। अब नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें एक तो आपने कोई नंबर का डिवाइड नहीं किया, ये पहचानने का तरीका है, पर इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में मिली, राइट? ये वैल्यू फ्रैक्शन में मिल रही, और कहीं पर भी रिकरिंग नहीं, रिपीटेशन नहीं होगा, ये इनफाइनिट तक जाएंगे, पर कोई एक पेयर ऐसा नहीं बनेगा जिसको देख के आप बाल लगा सकें। जैसे मैं बोलूं √3, तो आप बोलेंगे 1.731 एंड सो ऑन, विदाउट एनी डिविजन इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में मिल रही है। इसका मतलब ये हुए इरेशनल नंबर। आपसे मैं बोलूं √4, तो √4 की वैल्यू 2 होती है, ध्यान रखिएगा ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर का सबसे सिंपल जो कंसेप्ट मैं आपको बोलूंगा याद रखने का, वो ये होगा कि किसी भी नंबर में, इरेशनल नंबर के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए, विदाउट एनी डिविजन यदि नंबर की वैल्यू फ्रैक्शन में आए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होना चाहिए, तो हम उसे इरेशनल बोलते हैं। जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √4 नहीं होगा, √5 होगा, √5 होगा, 2 point something हम बोल सकते हैं, √6 होगा, √7 होगा, √8 होगा, √9 नहीं होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई क्या है। सबसे पहले बात आती है कि पाई क्या है, तो पहले हम से कोई अगर ये बोले कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो पाई की वैल्यू आप कभी भी ये मत बोलिए कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ध्यान रखिए, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू इक्विवेलेंट टू 22/7 होती है। हम केवल याद रखने के लिए पाई की वैल्यू को 22/7 बोलते हैं, पर पाई 22/7 नहीं होता, पाई मिलता है सर्कमफेरेंस अपॉन रेडियस से। पाई की वैल्यू जो है वो होती है 3.147 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब पाई जब भी पूछा जाए तो पाई इरेशनल का एक अच्छा एग्जांपल है। पाई, एक्सपोनेंशियली, √2, √3, ये सब नंबर्स को हम बेसिकली इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ध्यान क्या रखना है हमको, ध्यान ये छोटी सी बात रखनी है कि अब अगर 22/7 बोला जाए, तो ध्यान रखिए 22/7 रैशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है, तो पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 ना बोलें, वो इक्विवेलेंट होती है। जैसे मुझे मान लीजिए 0.66 याद रखना और नहीं हो रहा, तो मैंने 2/3 से याद रख लिया। 0.25 याद रखना है, नहीं हो रहा है, तो 1/4 लिख लिया। सेम थिंग कि पाई की वैल्यू याद ना कर पाए, तो हम वो 22/7 के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, बट पाई 22/7 नहीं होता। तो इसका मतलब अगर हम नंबर थ्योरी पे जाएं, तो नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम समझें, तो एक चीज समझ में आ गई कि नंबर्स को, रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो रैशनल है, रैशनल नंबर मतलब जो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, बट रिकरिंग होंगे। इरेशनल नंबर वो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, ये हुआ। फिर रियल नंबर से हमने इंटीजर लिया, इंटीजर से, इंटीजर का एक सबसेट हुआ होल नंबर, होल नंबर से हमें मिला नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर की हम डेफिनेशन दो तरीके से बोल सकते हैं। नंबर वन, सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, नंबर वन थिंग। यानी रियल नंबर क्या होंगे, −∞ to +∞ इज कॉल्ड रियल नंबर। यहां पे मैंने एक इंटरवल बनाया है, इस इंटरवल का मतलब क्या है वो भी बता देता हूं। कई बार आपने देखा होगा ऐसा लिखा रहता है 1 2, मान लो 4, एक्स बिलोंग टू 1 4, एक्स 1 2 4, पहले ओपन ले लेते हैं, एक्स 1 2 4 और एक्स 1 2 4, इन पांचों में डिफरेंस क्या है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसका मतलब है एक्स की केवल 2 वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, 1 and 4। इसका मतलब है बिटवीन 1 and 4, इन्हें हम बोलते हैं इंटरवल। और इंटरवल यहां पे दो तरह के, एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल।
क्लोज इंटरवल में जो एंडिंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, लिमिटिंग पॉइंट है, वो इंक्लूड होते हैं। यानी इसमें एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगी। जब हम इस पे आते हैं ओपन इंटरवल पे, तो एक्स की वैल्यू 1.001 से स्टार्ट होगी और 3.999 तक जाएगी। इस पे जब हम आते हैं तो एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 3.999 तक जाएगी। और इसका मतलब, इसको यहाँ से अपन क्लोज कर देते हैं, 1.001 से लेके 4 तक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन लिखी है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं, और सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। एंड एक और डेफिनेशन हो सकती है रियल नंबर की, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजनरी नंबर। सारे नंबर रियल नंबर होते हैं इमेजनरी नंबर को छोड़ के। अगर हम नंबर सिस्टम पे जाएं तो दुनिया में जितने तरह के नंबर हैं, जो नंबर रियल हैं, इमेजनरी नंबर को छोड़ दें तो रियल बचते हैं, और रियल को छोड़ दें तो इमेजनरी बचते हैं। मतलब आप कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है, रूट टू, रूट थ्री, पाई, ई, 3/4, 0, -1/6, 7, -3, 2, 2.001, ये सब रियल नंबर हुए। ये क्लियर है, बट ये सारे नंबर्स रियल नंबर हुए।